Hi everyone, I am Fraz and I work at Google as a software engineer. In this video, I will share my 5 years of coding starting from the first year of college. So, शुरुआत करते हैं first semester से. In first semester, I started learning C language क्योंकि ये हमारे college curriculum का part था. There is a book called Letter C, एक बहुत ही अच्छी book है, बहुत ही easy to understand book है. I started learning C from that book. फिर यार कुछ time बाद senior से पता चला कि एक object oriented programming language चाहिए आपको interviews के लिए. So, I had 4 options. C++, Java, Python, JavaScript. ये चार बहुत ही famous options हैं. I picked up C++. Mainly due to 2 reasons. Reason number 1 was, मैंने already C language सीखी हुई है and C++ का syntax काफी similar है. Reason number 2, comparative programming community में C++ का support काफी अच्छा था. मतलब बहुत सारे लोग C++ में comparative programming कर रहे थे. At the end of first semester, I started learning simple data structures like arrays, linked list, stack and queues. अब यार मैं गलती ये कर रहा था कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ता था एंड कुछ टाइम बाद उसको भूल जाता था. आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग. द राइट वे इज टू लर्न थ्योरी एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलोंग विद थ्योरी. ये चीज मुझे काफी आगे चल के रियलाइज हुई. इन माई सेकेंड सेमेस्टर आई गॉट टू नो अबाउट लीड कोड. इट्स अ वेरी फेमस प्लेटफॉर्म. उस टाइम पर इतना फेमस नहीं था. आई ट्राइड सॉल्विंग 1 प्रॉब्लम ऑन लीड कोड और यार वो प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का था. आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि किस टॉपिक का प्रॉब्लम है ये एंड आई रैन अवे फ्रॉम लीड कोड. मुझे लगा प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत है. And then I started exploring other platforms. मैंने भी बहुत जगह प्रैक्टिस किया एंड आई गॉट कम्प्लीटली लॉस्ट. अब यार ये वो टाइम था वेर आई वॉज वेरी इरेगुलर. आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट. मैं ट्राई करता था कॉन्सेप्ट समझने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट आई यूज टू गेट स्टक. सो दिस वॉज नॉट अ प्रोडक्टिव सेमेस्टर फॉर मी. तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट क्रायो. So Cryo is world's first experiential learning and upskilling platform for aspiring software developers. So Cryo follows learn by doing approach. Abhi learn by doing approach kya hai? So you learn while working on projects, real world projects, just like building applications similar to Amazon, Netflix, Swiggy and scaling them up. तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते यू लर्न. अब इन प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल करिकुलम के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट यू ऑल्सो गेट अ वेरी गुड मेंटर सपोर्ट एट क्रायो. एंड दीज मेंटर्स आर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, स्विगी, पेपैल एंड अदर टेक जायंट्स. तो इनसे आपको ना काफ़ी डिटेल्ड इंसाइट्स मिलेंगी कि एक रियल डेवलपर एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाता है. सेकंड थिंग इज क्रायो ऑफर्स एक्सक्लूसिव करियर असिस्टेंस एंड दे हेल्प यू बिल्ड अ वेरीफाइड गिटहब पोर्टफोलियो विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट्स. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेलोशिप प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो यहाँ पर आपके 2 ट्रैक्स हैं. वन इज बैक एंड, द अदर ट्रैक इज फुल स्टैक. यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज ट्रैक्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, यू विल बी लर्निंग अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट करते करते आप लोग CS फंडामेंटल्स एंड डेवलपर फंडामेंटल सीखेंगे. देन यू विल बी वर्किंग ऑन सम ऑसम प्रोजेक्ट. ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एज वेल. तो यहाँ पर आपको ना एक डिटेल्ड करिकुलम मिल जाएगा विच विल कवर योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड सिस्टम डिजाइन फॉर इंटरव्यूज. अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दिस प्रोग्राम क्रायो ऑफर्स जॉब गारंटी by job search support, referrals and career guidance by experienced coaches. Cryo is also trusted and recognized by NSDC, which is an entity of Government of India. बाकी आपके free trial का link description में है, definitely go and book. और अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. Now let's go to the second year. तो यार third semester में मुझे ये तो realize हो गया कि यार अलग से theory पढ़ना और फिर question solve करना इससे काम नहीं चलेगा, because जब तक मैं questions पे आता हूँ मैं theory भूल जाता हूँ. तो इस बार मैंने decide किया कि थ्योरी पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आई स्टार्टेड लर्निंग टॉपिक्स लाइक ग्राफ, बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग. थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स थे, बट साथ साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा था. आई वाज वेरी रेगुलर ऑन लीड कोड और साथ साथ मैंने कॉन्टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिया. इन माई 4th सेमेस्टर आई स्टार्टेड टीचिंग माई सिस्टर एंड दिस टर्न्ड आउट रियली वेल फॉर मी. जब मैं उसको पढ़ाता था ना तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता था. अलॉन्ग विद दैट मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए. आई पिक्ड अप जेंगो एज द फ्रेमवर्क. मैंने वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाए थे एंड जेंगो इज अ पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क. And in Django, I made some project for my resume as well, क्योंकि मेरा internship का season आने वाला था. Let's talk about third year. Third year के starting में internship season आया and I cracked SAP labs. I was continuously teaching DSA to my sister and I also created my YouTube channel. It really helped me to stay consistent throughout the year. वरना कई बार क्या होता है कि एक बार internship मिल जाती है ना तो लोगों का motivation कम हो जाता है DSA करने का. Also, I started making projects on Spring Boot. Spring Boot is another web framework. It's Java-based framework. And I learned Java for this. Learning Spring Boot gave me an advantage during my internship also, क्योंकि मैंने Spring Boot पहले ही की हुई थी. And during my internship जो मुझे project assign हुआ था, that was also in Spring Boot. Now let's talk about fourth year. I did some revision, क्योंकि data structures and algorithm एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप revise नहीं करते हैं ना तो there's a high chance कि आप बहुत सारे concepts भूल जाएंगे. जब भी आप कोई topic पढ़ें, कोई concept पढ़ें और उसके question solve करें, pick up few good questions जिनको आप as revision use करेंगे. So this is what I always used to do. और जब आप question solve करते हैं ना
try to put comments on it. अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो उसमें comments add कर दो, so that next time when you revise, आपको सारे comments देख के समझ में आ जाएगा कि आपका thought process क्या था when you were solving these questions. So I cracked cure fit. अब यार full time जब आपकी job लग जाती है ना, तो उसके बाद एकदम chill सा mood हो जाता है. But because of my YouTube channel, again I was consistent throughout. I joined cure fit after my fourth year. I worked at CureFit for almost 1 year until I got a call from Google. अब यार Google से opportunity आई थी, so I could not leave any gaps. मैं consistently DSA कर रहा था, but there were few topics जिनकी polishing required थी. तो मैंने graph और backtracking काफी अच्छे से किया. I appeared for Google interviews and I was able to crack it. So these were my 5 years of coding, starting from my first year till my first year of job. There's a complete video on how I cracked Google and what all resources I used. I will provide the link in description. So let's meet in the next video. I hope aap logo video mein maza aaya hoga. If you are new to the channel, do subscribe for more such videos.